अहमद की मौत के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ नए नए सुराग जुटाने में लगी है। वहीं खबर आई है कि शेर अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर रडार पर आ गए हैं। दरअसल उमेश पाल की हत्या के कुछ महीने पहले शेर अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। यह ग्रुप अतीक के बेटे असद ने खुद बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, कानपुर सहित यूपी के 22 से ज़्यादा जिलों के लोग और तमाम दूसरे प्रदेशों के लोग भी जुड़े हुए थे। इसमें करीब 200 लोग जुड़े थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इसे डिलीट कर दिया गया। SIT अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आखिर ये व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बंद किया गया। बताया जाता है कि इस ग्रुप में अतीक अहमद, उसके बेटे उमर और अली के वीडियो शेयर किए जाते थे। अली का मजीदिया कॉलेज में दिया गया भाषण भी इसमें शेयर किया गया था। असद अपनी रील्स भी इसमें डाला करता था। सबसे खास बात यह है कि ग्रुप में अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले अरुण मौर्य का नाम भी जुड़ा हुआ था। वह असद के संपर्क में भी बताया जाता है। अतीक मामले में एक बड़ी बात यह भी है कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर लिए गए सैकड़ों मोबाइल फ़ोन शुक्रवार को अचानक बंद हो गए। उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार शूटरों और मददगारों की तलाश के लिए इन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर पुलिस सुराग जुटा रही थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके दूर दराज में रहने वाले रिश्तेदार और संपर्क में रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। इतने सारे नंबर एक साथ बंद हो जाने से जांच भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कॉल डिटेल के आधार पर एसटीएफ ने अब मुखबिरों की मदद फिर से लेना शुरू कर दिया है। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 3 दिन के अंदर एक एक करके सैकड़ों मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गए। इतना ही नहीं, इनमें ज़्यादातर लोग या तो अपने घरों से चले गए या दूसरे दोस्तों के यहाँ शरण ले ली। कोई पड़ोसियों से घूमने की बात कहकर चला गया तो कोई बिना बताए ही चला गया। एसटीएफ का कहना है कि अचानक नंबरों के बंद होने का कारण है कि कई लोग रडार पर थे। उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी हाथ नहीं डाला जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके संपर्क में कोई आरोपित आ जाए तो उस तक पहुंचा जा सके। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, बाराबंकी, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, अजमेर, शाहजहाँपुर, झांसी, हरदोई, बरेली, सहारनपुर, पटना, रायपुर और कुल 22 जिलों के सैकड़ों नंबरों को रडार पर लिया हुआ था। ये सभी नंबर स्विच ऑफ हो गए हैं। इन मोबाइल नंबरों में कुछ दूसरे गिरोहों से जुड़े लोग भी थे। अब SDF ने शेर अतीक ग्रुप से जुड़े नंबरों की जांच शुरू की है। उम्मीद है कि इसमें अतीक से जुड़े लोगों और फरार अपराधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।